मैं विकास मिश्रा की इस पर किस बात देखता हूँ कि मैं उत्तरांचल प्रेस क्लब की आम सभा और हमारे क्लब के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं विकास मिश्रा उत्तरांचल प्रेस क्लब के महामंत्री पद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किसी पक्षपात या अनुराग द्वेष के बिना करूंगा। देखती हूँ कि मैं उत्तरांचल प्रेस क्लब की आम सभा द्वारा पारित क्लब के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं मीना नेगी उत्तरांचल प्रेस के क्लब के संयुक्त मंत्री महिला आरक्षित पद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी पक्षपात या अनुराग द्वेष के बिना नहीं कर सकते। श्री देवेंद्र सिंह जी को चिंतन करें।
मुख्यमंत्री जी हमारे संरक्षक भी हैं, तो इसलिए हमें उनसे कई अपेक्षाएं दी जाती है। तो आज वो हमारे बीच में, तो मैं उनसे एक छोटा सा अपने क्लब की ओर से छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। एक छोटा सा ज्ञापन है जो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, महोदय, उत्तरांचल प्रेस क्लब को आपके द्वारा हर संभव सहयोग मिलता है, इसके लिए उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी आपका पूरा हार्दिक आभार व्यक्त करती है। महोदय, जैसा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब ने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर के इस क्षेत्र में पत्रकारों का अहम योगदान रहा है, इन सबको देखते हुए उत्तराखंड आंदोलन के दौरान प्रदेश के सक्रिय पत्रकारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपसे सकारात्मक और प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध है। महोदय, आपसे यह भी निवेदन है कि क्लब भवन निर्माण, अतिथि गृह व पुस्तकालय निर्माण कार्य में तेजी के लिए आप संबंधित विभाग को निर्देशित करें। महोदय, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे सभी पत्रकारों को अस्थायी पत्रकार की मान्यता दी जाए। महोदय, राज्य कर्मियों की बात ही, यह बहुत लंबी मांग है सर, और ये इसमें हम लोग काफी पूर्व में भी कर चुके हैं कि जितने हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो डेस्क के हो चाहे वो फील्ड के हो, जो पत्रकार के रूप में चिन्हित हैं, उनको यू हेल्थ कार्ड की व्यवस्था दी जाए। यह काफी, अगर आप बहुत हमारे एक उत्तरांचल प्रेस क्लब है, इसका हमारा आय का साधन एक बार भी है, इसका जो अधिकार होता है, कृपया वो माफ करने की आप कृपा करें। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा जैसे कृपया ज्ञापन या ज्ञापन अध्यक्ष जी, कृपया ज्ञापन मुख्यमंत्री जी। आज के शपथ समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विशिष्ट अतिथि महानिदेशक सूचना श्री वंशीधर तिवारी जी, प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के इस शपथ ग्रहण समारोह में समय देने के लिए मैं प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मशीन जी, अपने कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि अभी हमारे महामंत्री जी ने प्रेस क्लब के निर्माण बात संबंधित जो भी मांग पत्र जो दिया है, तो हमें आशा है कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों के हितों में जो हित के लिए आप सदैव संवेदनशील और प्रयासरत रहे हैं। आपने पत्रकारों के बीच से ही श्री योगेश भट्ट जी को सूचना आयुक्त बनाया है, सोच पत्रकारों को पत्रकारिता के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आगे काम करने के लिए एक जो आपका प्रयास है, इसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शपथ ग्रहण समारोह में समय देने के लिए मैं प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्यों, अपने कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में शहीद राज्य आंदोलनकारी शहीद आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको और विशेष अतिथि को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में हमारे सहयोगी हैं अनुपम चक्राली, तो
तो उनके पुत्र अभिशोर सिकलानी ने आपके पेंटिंग बनाई है, तो मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि आपके पास इस पेंटिंग को ग्रहण करें। अभिशोर सर्वश्रेष्ठ माध्यम कोई है और सर्वश्रेष्ठ साधन कोई है।
चौथे स्तंभ के साथ साथ सबको सजग करने का काम करते हैं, चाहे देश और प्रदेश की जनता को सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के किए जाने वाले कार्यकलाप हैं, उन सब से लगातार परिचित करवाने का काम, उनकी जानकारी देने का काम है, और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी सरकार को भी अवगत कराने का काम। जो तत्कालीन रूप से सरकार है, शासन है, प्रशासन है, उन सभी को एक दूसरे से मैं कहूं कि समन्वय कराने का काम, कभी कभी आमने सामने रहने का काम और कभी कभी समन्वय कराने का काम, दोनों प्रकार के काम आप सबके माध्यम से होते हैं, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों का भार आपके मजबूत कंधों पर होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश लोग, कई बार लोग कहते हैं कि यार एक दो लोगों ने गड़बड़ कर दी, एक दो लोगों ने ऐसा कर दिया, मैं सच बताऊं तो मैं कभी ऐसा मानता नहीं। मुझे लगता है कि आज भी हमारे 100% लोगों में से कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, अब बात सब जगह पर होते हैं, सारे लोग बहुत समर्पण के साथ और पूरे मनोयोग के साथ देवासी नारद की तरह जो है लगातार मेरा मानना है कि आप सब लोग समाज के दर्पण भी हैं, समाज का आईना है, और जो सरकार है उसके पूरे तंत्र को और सभी कार्यों को धरातल पर उतारने वाले और होने वाले जो प्रभाव है उनसे अवगत कराने का काम आप सबके माध्यम से होता है। उनको बात नहीं करना अतः आप सबके बीच में से बहुत सारी जानकारियां जो मिलती है, ऐसे अनछुए पहलुओं से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। आप सबका जो फीडबैक है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाना इसलिए भी उचित है क्योंकि जब देश के अंदर बड़े बड़े जो संकट आए हैं, संकटों का सामना करना पड़ता है, उस समय हमारे पत्रकार बंधु ही वीर जवानों की भांति उस विकट परिस्थिति में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा जब गलवान की घटना हुई थी तो सारे टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहा था कि भारत की सेना जो है कहीं हेलीकॉप्टर हो रहे हैं, कहीं पर जो है हमारे रॉकेट दागते हुए जो है सीन दिखाई दे रहे हैं, कहीं सेना जो है चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देश के अंदर एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ और वो एटमॉस्फेयर केवल देश के अंदर ही नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुआ। उस सबको ले जाने का काम, उस सबके अपने एक भाव पैदा करने का काम, लोगों के अंदर एक उत्साह बनाने का काम अगर कोई करता है तो आप ही सब देश का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। दो प्रकार की ताकतें होती हैं, एक ताकत होती है तलवार और एक ताकत होती है कलम। और जब भी कभी ये हुआ है कि ताकत कौन सी बड़ी है, ताकत कौन सी जीती है, कौन सी विजय होगी, तो हमेशा तलवार के मुकाबले एक कलम की ताकत वो कहते हैं न खींचो तुम कमानों को न तलवार निकालो, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को भी एक महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रयास किए हैं कि जो पत्रकार बंधुओं की समस्या है उसके प्रति संवेदनशील होकर उस पर काम करें, उसको कुछ आगे बढ़ाएं।
इसलिए पिछले वर्ष जहां हमारी सरकार ने पेंशन को जो पत्रकारों की पेंशन है उसको 60% बढ़ाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिलों से आने वाले पत्रकारों की पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिए जो यहाँ पर सुविधाएं मिलती थी उन सुविधाओं को फिर से आगे बढ़ाने का पिछले दिनों मैंने घोषणा की। इसी के क्रम में पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ की बढ़ोतरी भी की गई है, जिसके चलते अब तक 80 पत्रकारों और गंभीर रूप से जो बीमार है उनके लिए अभी तक 36 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर हुई है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर जितनी हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी हमारे आप जैसे सभी कर्तव्य पत्रकार भाई बहनों की भी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक कल्चर पैदा किया, एक संस्कृति पैदा की है कि एक एक क्षण का एक एक पल का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे राष्ट्र को समर्पित करना है, उन्होंने हमसे भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और ये तीसरा दशक बनाने के लिए हम सभी को काम करना होगा। उसके साथ साथ हम सरकार को लेकर भी लगातार 2025 हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष होगा, तब तक हम देश के सभी राज्यों के साथ अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हम शामिल हो, हमारा स्थान श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, उस सब के लिए हमको काम करना है। अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपके बीच में भी कह रहा हूँ, आप सबसे भी ये एक तरह से मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि राज्य जो है हमारा श्रेष्ठ राज्य बनेगा, हम अग्रणी राज्यों को होंगे, देश 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को बनाने का काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारे पूरे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को एक दिशा में चलना होगा, सभी लोग एक दिशा में चलेंगे, एक वे होकर चलेंगे, एक कदम से कदम मिलाएंगे, हमारे सबके विचार एक होंगे। हो सकता है कि कई बार हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कई बार हमारे कुछ आपस में द्वंद हो सकता है, किसी बात को लेकर थोड़ा बड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब राज्य की बात आए तो हम सब लोगों को एक दिशा में चलना होगा और हम एक दिशा में चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए हम लोग सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो लक्ष्य है हमको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विकल्प सही संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका ध्यान हमें सहयोग भी चाहिए, आपका मार्गदर्शन भी चाहिए और आप सबका समय समय पर आप सबके सुझाव भी चाहिए। और उससे जब भी कभी कोई आप सबके प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से जैसे भी कभी मिले हों तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप बताइए किस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के भी होने से समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी हमें प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सबके द्वारा बताई जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पत्रकार को जो हमारा ये संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। और आज के अवसर पर जो हमारे प्रेस क्लब के महामंत्री विकास जी ने एक ज्ञापन मुझे दिया है, इसकी मुझे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ये तो आपने कहा है कि ये प्रेस क्लब का भवन निर्माण, अतिथि गृह, पुस्तकालय निर्माण की तेजी के लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग श्री बंसीधर तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बंसीधर तिवारी जी से कहता हूँ कि बंसीधर इसको आप तत्काल पूरा करवाइए सभी विभागों के साथ। दूसरा बिंदु है सके रहे राज्य के सभी पत्रकारों को, इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करते हैं, ये कमेटी का और जो राज्य की
राज्य कर्मियों की भांति जो यू हेल्थ कार्ड है, इस हेल्थ कार्ड की व्यवस्था के लिए हम लोग काम करेंगे। और अभी चौथा है प्रेस क्लब बाहर का विभाग। ये जरूरी है। इसके बारे में विचार करेंगे कि कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि हम यहाँ का करते हैं और लोग कहें कि सभी जगह का करो। तो देखिए इसमें कैसे क्या छूट हो सकती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। तो अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर से नई कार्यकारिणी को सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं आप सबके बीच में आया, और ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे आप लोगों ने अतिथि ना नहीं यहीं पर बुलाया। मैं आपके साथी के रूप में आया हूँ, आप सबके बीच में आऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत शुरुआती दिनों में आप सब भाइयों का, बहुत सारे लोगों का, इसमें अधिकांश लोगों का किसी न किसी रूप में मुझे हर समय उनका सहयोग देता रहा है। और इतना रहा है कि शुरू में हम सबसे निवेदन करते रहते थे, बैठे रहते थे, भाई तेरा मुंबई यार इसमें नाम याद करना चाहिए। तो मुझे याद है कि उस समय आप नहीं होता था, और आज आपने सबने यहाँ पर पहुँचने पर अपनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए ये कार्यक्रम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद।